Hello guys, welcome to my channel Smart Learning Academy. In this video tutorial I am going to discuss about the solution of part A problems asked in the CSIR UGC NET JRF problems of the December 2018. इससे पहले के वीडियोज में मैंने बताया कि बाकी 17 क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं. दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज एंड इस क्वेश्चन में बताऊंगा कि बाकी जो 3 क्वेश्चंस है उनको आपको कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, तो हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं. आप मुझे अन अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं वीडियो लेक्चर्स डिलीवर करता हूँ सीरीज वे में. तो आप मुझे वहाँ फॉलो करिए और मेरा लेक्चर वीडियोस वहाँ पे देखिए जो कि आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगा. सो अब हम देखते हैं पार्ट ए सॉल्यूशन के बारे में. जो 18th नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एरिया ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल आर गिवन ऑफ यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर. बहुत इजी क्वेश्चन है, कई लोग इसको गलत भी करके आए होंगे जल्दी के चक्कर में या अंडरस्टैंड करने में कि सिर्फ एरिया निकाल के वो 18 करके चले आए होंगे, लेकिन इसका आंसर कितना होगा, 36 होगा. यहाँ पे पूछा क्या, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ना कि जितना ये दिया हुआ है उतना. इसको आप सिर्फ इसका कैलकुलेट नहीं करना, आपको टोटल कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो पहले देखिए, अगर ये 9 है, ये इसका एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है. तो जस्ट सपोज अगर ये दो, इसको 1 कंसीडर किया मैंने इसके विड्थ को, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ 9 हो जाएगा एंड इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 3. जब ये लेंथ 3 हो गई तो ये विड्थ कितना हो जाएगा, 2. ये विड्थ 2 हो जाएगा. जब ये आपको विड्थ पता चल गया 2 और ये लेंथ पता चल गया 9, तो इस रेक्टेंगल जिसका एरिया कितना हो जाएगा, जिसका आपको पता नहीं है, 18 9 into 2 18. ठीक है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 9 + 3 दैट इज 12 + 6 18 एंड 18 + 18 36. टोटल एरिया क्या हो गया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि फाइंड द मिसिंग फिगर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस. फाइंड द मिसिंग फिगर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, आपको फाइंड करना है मिसिंग फिगर. इस मिसिंग फिगर में देखिए पैटर्न देखिए आप कि क्या हो रहा है. पहला फिगर कुछ इस तरीके से, सेकंड फिगर में देखिए एक प्लस यहाँ से गायब हुआ, यहाँ से एक प्लस गायब हुआ. गायब होने के बाद वो प्लस गायब होकर एक बार यहाँ पे क्या हुआ, लाइन यहाँ पे बढ़ गई. बढ़ने के बाद जो डॉट का पोजीशन यहाँ पे था वो चेंज होके इस साइड पोजीशन चला आया है. ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसका पोजीशन जो पहले स्ट्रक्चर में था उसका जस्ट अपोजिट हो गया है. पैटर्न पता चल रहा है कि यहाँ से एक प्लस गायब हुआ, यहाँ से एक लाइन बढ़ी, डॉट का पोजीशन जो है वो चेंज हुआ और ये जो स्ट्रक्चर है इसका पोजीशन भी अपोजिट हो गया. थर्ड में देखिए एक प्लस और गया, एक लाइन और बढ़ी, पोजीशन डॉट का चेंज हुआ फिर से और ये स्ट्रक्चर का अपोजिट फिर से स्ट्रक्चर जो है फिर से अपोजिट हो गया. ठीक है, तो अब फोर्थ में क्या होगा, तो फोर्थ में एक प्लस और जाएगा, ये वाला प्लस और जाएगा यहाँ वाला. ठीक है, एक बार और बढ़ेगा, एक बार और बढ़ा यहाँ पे होगा और उसके बाद ये जो पोजीशन इस ओरिएंटेशन में ये स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर जो इस ओरिएंटेशन में कैसा होगा, इसका अपोजिट और डॉट जो यहाँ पे है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा. तो कौन सा आंसर दिख रहा है इस हिसाब से, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है इस हिसाब से आपको. ठीक है, ए प्लस यहाँ से गायब हुआ, ये ओरिएंटेशन अपोजिट हो गया, यहाँ पे सिर्फ एक प्लस बचा हुआ है और डॉट यहाँ से यहाँ चला आया. ठीक है, तो दिस इज द आंसर जो थर्ड होगा. क्लियर है, तब मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ. जो अगला क्वेश्चन है, अगर आपका कोई अभी तक डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर डालिएगा. ठीक है, मैं उस क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा एज सुन एज पॉसिबल. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी जिसमें कि ए बी इज 11, बी सी इज 61, ए सी इज 60 एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. ठीक है, तो आपको ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है ए बी सी और उनके वैल्यूज दी हुई हैं. तो क्या करना है कि आपको पहले पाइथागोरस रूल आपको चेक करना है कि कहीं ये पाइथागोरस रूल फॉलो तो नहीं कर रहा, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है. अगर मैं इस एंगल को कंसीडर करते हुए राइट एंगल ट्रायंगल लगाता हूँ जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, क्योंकि वही होता है क्या हमारा हाइपोटेन्यूज होता है. तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू
ये जो बी सी होगा, यहाँ पे बाई मिस्टेक ए सी लिखा हुआ है, यहाँ पे बी सी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे बी सी आपका होना चाहिए। तो इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में क्या है कि आप राइट एंगल रूल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, इसमें क्या है कि ए सी स्क्वायर प्लस बी बी ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी स्क्वायर होना चाहिए, बाई मिस्टेक ए सी स्क्वायर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद क्या है कि ए सी है 60 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 121 और 61 का स्क्वायर, दोनों वैल्यू आप चेक करेंगे, 60 का स्क्वायर 3600 है, 11 का स्क्वायर 121 और 61 का स्क्वायर 3721 36। अब इसको क्या करिए, ऐड करिए, 3600 प्लस 121 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3721, ठीक है। तो दोनों साइड 3721 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, जिस एंगल को हमने कंसिडर किया था ए को 90 डिग्री, तो उसके सामने जो सबसे बड़ा होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, ए सी वाला 60 होगा और ए बी वाला 11 होगा, ठीक है। ये जो है वो बेस हो गया, ए सी विल बी द परपेंडिकुलर एंड बी सी विल बी द हाइपोटेन्यूज। मैंने इस ट्राइंगल को शिफ्ट करके ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे बना दिया हमने। अब क्या होता है कि एक रूल होता है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो, कि अगर जो 90 डिग्री एंगल से डिवाइड करते हुए हाइपोटेन्यूज को कोई लाइन अगर बाइसेक्ट कर रही है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है, तो जो जी ओ सी होगा, ओ सी ओ बी ओ ए, ओ सी ओ बी ओ ए, मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर जो हमारा परपेंडिकुलर एंगल होता है वहाँ से कोई भी लाइन हाइपोटेन्यूज को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है मिड पॉइंट से, मतलब दो सेम पार्ट में, तो जो ए ओ भी होगा वो भी सेम होगा इन दोनों पार्ट के, जैसे कि ये 30.5 और ए बी 30.5 होगा, तो ए ओ भी सेम होगा, इट इज़ द रूल, ठीक है। ये रूल होता है कि ओ सी ओ इक्वल टू ओ ए ओ इक्वल टू बी ओ, ठीक है, मतलब 30.5 क्या होगा इसका आंसर होगा, ए ओ का जो वैल्यू होगा वो होगा 30.5, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर आपका कोई डाउट है या कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, और दूसरी चीज़ कि अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा। यू कैन फॉलो मी ऑन एन अकेडमी एंड यू कैन ज्वाइन अस ऑन द फेसबुक विद द नेम स्मार्ट लर्निंग अकेडमी, द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।